दोपहर का समय था। राजा बिक्रम क्रोधित अवस्था में अपने महल के बाहर टहल रहा था कि तभी एक सैनिक वहां आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा बिक्रम क्रोधित अवस्था में उस सैनिक की ओर देखकर बोला, बोलो, कुछ पता लगा? नहीं महाराज, हमने राजकुमार अशोक को बहुत ढूंढा मगर वह हमें नहीं मिले। अरे आखिर ये राजकुमार अशोक कहाँ जा सकता है? क्या तुमने उसे सही से ढूंढा भी है या नहीं? महाराज, हमने राज्य का वो हर कोना छान मारा जहाँ राजकुमार अशोक जा सकते हैं। तो फिर तुम्हें जंगल में जाकर तलाशना चाहिए। हो सकता है कि राजकुमार अशोक जंगल में शिकार करने के लिए गए हो। बोलो। महाराज, हमने जंगल का भी एक एक छप्पा छान मारा मगर राजकुमार अशोक हमें वहां भी नहीं मिले। सैनिक की बात सुनकर राजा बिक्रम गुस्से से पैर पटकता हुआ महल के अंदर अपनी पत्नी के कक्ष में चला गया। अपने पति को इतना क्रोधित देख राजा बिक्रम की पत्नी रुक्मणी बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों झलक रहा है? रुक्मणी, तुम्हें अपने बेटे अशोक को समझाना चाहिए। तुम्हें उसे याद दिलाना चाहिए कि वो इस राज्य का आने वाला राजा है। उसकी इस तरह की बेपरवाही राज्य को खतरे में डाल सकती है। आप तो जानते हैं कि अशोक अभी सिर्फ 20 वर्ष का है, धीरे धीरे समझ जाएगा। राजमहल में जन्म लेने वाले लड़के जन्म से ही राजकुमार बन जाते हैं। मुझे ही देखो, मैं केवल 17 वर्ष का था जब मैंने राज गद्दी संभाली थी। इतना बोलकर राजा बिक्रम गुस्से से कक्ष से निकल गए। राजकुमार अशोक एक घने वृक्ष के नीचे एक सुंदर लड़की के साथ बैठा हुआ था। सुंदर लड़की राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोली, हमारा और तुम्हारा इस तरह से छुप छुप कर मिलना सही नहीं है। अगर गलती से महाराज को इस बारे में पता न गया तो वो मुझे मेरे परिवार सहित खत्म कर देंगे। नहीं चंदा, मैं आज तुम्हारे और अपने विवाह की बात पिताजी से जरूर करूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पिता महाराज है, वो एक गरीब लड़की को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने पिताजी को मनाना मेरा काम है। इतना बोलकर राजकुमार अशोक घोड़े पर बैठकर सीधा अपने महल चला गया। अशोक अपने कक्ष में पहुंचा ही था कि तभी अपने कक्ष में अपने पिता राजा बिक्रम को देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। आज तुम्हें मुझे ये बताना ही पड़ेगा राजकुमार, कि तुम अचानक से गायब कहाँ हो जाते हो। पिताजी, मैं वैसे भी आज आपसे बात करने वाला था। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते। बताओ, किस राज्य की राजकुमारी से तुम प्रेम करते हो? बोलो पुत्र। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक डरते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, पिताजी, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की है, एक गरीब लड़की। यह सुनकर राजा बिक्रम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक साधारण लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा? असंभव। पिताजी, मैं विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी रहे हो राजकुमार, और मैंने तुम्हारी हर बात मानी भी है, लेकिन यह बात तुम्हारी नहीं मानूंगा। तुम अभी और इसी समय यहां से निकल जाओ और मेरे राज्य और महल में तभी कदम रखना जब तुम उस लड़की का विचार अपने मन से निकालने में सफल हो जाओ। निकल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक क्रोधित होते हुए महल से बाहर निकल गया और क्रोधित अवस्था में
जंगल के एक तालाब के किनारे बैठकर अपने आप से बोला, पिताजी अपने आप को समझते क्या हैं? अगर उन्हें लगता है कि मैं चंदा को अपने मन से निकालने में कामयाब हो जाऊंगा तो उन्हें गलत लगता है। हर बार की तरह इस बार भी पिताजी को मेरी बात माननी ही होगी। राजकुमार अशोक ने तक कहा ही था कि तभी झाड़ियों से दो सैनिक निकलकर राजकुमार अशोक के सामने खड़े हो गए। एक सैनिक राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, तुम तो चंदन नगर राज्य के महाराज राजा विक्रम के पुत्र अशोक हो, लेकिन तुम तो मेरे राज्य के सैनिक नहीं लगते। हाँ सही कहा, हम तुम्हारे पड़ोसी शत्रु राज्य के सैनिक हैं। तुम निहत्ते हो, हम तुम्हें मारकर अपने राजा के पास ले जाएंगे, वो हमें ढेर सारा इनाम देंगे। उस सैनिक ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल के चारों ओर से शेर भेड़ियों की आवाज आने लगी। शेर और जंगली भेड़ियों की आवाज सुनकर वो सैनिक डरते हुए दूसरे सैनिक से बोला, लगता है बहुत सारे शेर और भेड़िए हमारी ओर आ रहे हैं। फिलहाल तो हम दोनों को अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। वो दोनों सैनिक वहां से भाग गए। उन दोनों के भागते ही एक सुंदर युवक एक पेड़ के पीछे से निकलकर राजकुमार अशोक के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार उस युवक से बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है। शुक्र मनाओ कि मुझे जानवरों की आवाज निकालना आती थी, नहीं तो वो सैनिक तुम्हें मार देते। अर्जुन की बात सुनकर अशोक बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इस नाते से तुम मेरे दोस्त हुए। मैं एक गरीब हूँ राजकुमार, और तुम महाराज के पुत्र हो, इस राज्य के होने वाले राजा हो। एक राजकुमार और एक गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। मेरी मित्रता स्वीकार करके तुम मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करोगे। सोच लो राजकुमार, मित्रता करना बड़ी आसान होती है, लेकिन उसे मित्रता की वफादारी निभाना बहुत मुश्किल काम होती है। चिंता मत करो, मैं मित्रता की वफादारी पर खरा उतरूंगा। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि राजकुमार जैसे तुम भूखे हो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अर्जुन राजकुमार अशोक को अपने झोपड़ी में ले गया और राजकुमार के सामने ताजा फल रखते हुए बोला, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ राजकुमार, तुम्हें मेरी झोपड़ी में शाही भोजन तो नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ताजे फल हैं, उन्हें खाकर तुम अपनी भूख शांत कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम मुझे राजकुमार कहना बंद करो, तो मुझे केवल अशोक कहकर बुलाओ। ठीक है अशोक, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमार अशोक उस रात अर्जुन की झोपड़ी में ही सो गया। अगले दिन अर्जुन राजकुमार अशोक से बोला, एक बात समझ में ये नहीं आती अशोक कि तुम अपना महल छोड़कर जंगल में क्या कर रहे हो। राजकुमार अशोक अर्जुन को सारी घटना बताते हुए बोला, मैं चंदा से प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारी प्रेम की कद्र करता हूँ अशोक, लेकिन तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई प्रेम नहीं होता, और इस बात को मैं समझता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। राजकुमार अशोक को अर्जुन के साथ रहते हुए काफी समय बीत चुका था और उनकी मित्रता अब काफी गहरी हो चुकी थी। एक दिन राजकुमार अशोक अपने मित्र अर्जुन के साथ
तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी एक सैनिक वहां पर आ पहुंचा और राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, अरे राजकुमार अशोक, आप यहाँ है? आपको आपके पिता ने याद किया है, चलिए महल बाबा चलिए। मेरे पिताजी से कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोलिए राजकुमार, हम आपको काफी दिन से तलाश रहे थे। राजकुमार, आपके पिता बहुत बीमार है और वह चाहते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले आपको राजा घोषित कर दिया जाए। ये सुनकर राजकुमार अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी अर्जुन राजकुमार अशोक से बोला, आपको तुरंत अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। भगवान ना करे अगर महाराज को कुछ हो गया तो पड़ोसी शत्रु राज्य पर हमला करने में देर नहीं लगाएगा। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। राजकुमार अशोक उसी समय सैनिक के साथ अपने महल में चला गया। राजा विक्रम ने उसी रात राजकुमार अशोक को राजा घोषित कर दिया और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजकुमार अशोक राजा बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन अशोक की माँ रुक्मणी अशोक से बोली, बेटा अब तुम राजकुमार से राजा बन गए हो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह उनके मित्र राजा मानसिंह की पुत्री से करा दिया जाए। अपनी माँ की बात सुनकर अशोक क्रोधित होते हुए अपनी माँ से बोला, माँ जब पिताजी राजा थे तब अपनी मनमानी करते थे और मुझे उनकी मनमानी सहनी पड़ती थी, परंतु आज मैं राजा हूँ, इसलिए मैं विवाह उसी से करूँगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ। बेटा तुम राजा मानसिंह को नहीं जानते, अगर तुमने किसी दूसरे लड़की से विवाह किया तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे, पर इसे वो अपना अपमान समझेंगे, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, हमारे राज्य पर हमला करेगा, हमारे सैनिकों ने भी चूड़िया नहीं पहन रखी है माँ। इतना बोलकर राजकुमार अशोक वहां से चला गया। कुछ दिन बाद अशोक ने चंदा के साथ विवाह कर लिया और चंदा अशोक की पत्नी बनकर रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ महीनों बाद चंदन नगर राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। अर्जुन के गांव के वासी सूखे के वजह से भूखे मरने लगे। अर्जुन उदास होकर बैठा हुआ था कि तभी अर्जुन का गांव का बिलिया नाम का एक व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, अर्जुन तुम्हारी तो राजकुमार अशोक से अच्छी खासी मित्रता थी और अब तो वो राजा बन गया है, तुम अपने मित्र के पास सहायता मांगने के लिए क्यों नहीं जाते? तुम सही कह रहे हो बलिया, मुझसे अपने गांव वालों की भूख देखी नहीं जाती। मैं आज ही अशोक के पास जाऊंगा और उससे अपने गांव के लिए अनाज और चावल मांगूंगा। अशोक उसी दिन चंदन नगर के महल के अंदर चला गया। अशोक सिंहासन पर अपना दरबार में बैठा हुआ था कि तभी अशोक को देखकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, कैसे हो मेरे दोस्त, तुम तो ऐसे राजा बने कि तुमने तो पलट के अपने दोस्त से खबर भी नहीं ली। अर्जुन की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन का इस तरह से बात करना अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सच तो ये था कि राजा बनने के बाद अशोक के अंदर एक घमंड सा आ गया था। अशोक क्रोधित होते हुए अर्जुन की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोस्त कहने की? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम एक गरीब व्यक्ति। एक राजा और एक गरीब कभी दोस्त नहीं होते। अशोक की जुबान से ये सब सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। अर्जुन फीकी मुस्कान से अशोक की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना महाराज, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया,
आप तो जानते ही हैं कि सूखे की चपेट में सारा राज्य है और इस राज्य में मेरा गांव भी आता है। मेरे गांव के वासियों का भूख से बुरा हाल है, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मुझे कुछ चावल की बोरियां और अनाज चाहिए। सूखा बहुत ही भयंकर पड़ा है, अगर हम ऐसे ही चावल की बोरियां और अनाज बांटते रहें तो फिर महल के अंदर के लोग भी भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। अर्जुन उदास होकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद चंदन नगर राज्य में वर्षा होने लगी, पर वर्षा ने सूखे को खत्म कर दिया। अर्जुन अब उदास रहने लगा था। इधर राजा मानसिंह अपने मंत्री चतुर सिंह से बोला, राजा विक्रम के पुत्र अशोक ने एक आम लड़की से विवाह किया है, जबकि उसके पिता ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरी पुत्री को अपने राज्य का बहु बनाएंगे। मैं अशोक को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, राजा विक्रम एक बुद्धिमान राजा था और अशोक एक मूर्ख राजा है। आपको अशोक से बदला लेने के लिए खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो बैठे बैठे ही अशोक को खत्म कर देगा। अच्छा, और वो कैसे? महाराज, वो काला जादू जानता है। मैंने सुना है कि वो बैठे बैठे किसी भी इंसान के ऊपर इतना खतरनाक काला जादू करता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर हम अशोक के ऊपर काला जादू करवा कर उसे खत्म करते हैं तो ये ज्यादा सही रहेगा। ऐसे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। अशोक के खत्म होते ही आप चंदन नगर राज्य पर हमला कर देना। इससे चंदन नगर की प्रजा बागी भी नहीं होगी, क्योंकि अशोक के मरने के बाद उन्हें भी एक राजा की तो आवश्यकता होगी ना। मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया। जाओ उस तांत्रिक को बुलाओ। कुछ ही देर में एक तांत्रिक राजा मानसिंह के सामने खड़ा हुआ था। राजा मानसिंह उस तांत्रिक से बोला, तुम्हें तो पता ही होगा मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है। जानता हूँ महाराज, आपने चंदन नगर के राजा अशोक के ऊपर काला जादू करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया हुआ है। मैं उसके ऊपर ऐसा काला जादू करूंगा कि वो कुछ दिनों में ही बीमार होकर मर जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद तांत्रिक राजा मानसिंह से बोला, अब ये काले मंत्र अशोक की जान लेकर ही मेरे पास वापस आएंगे, देखना महाराज। अगले दिन अशोक पूरी तरह से बीमार पड़ गया। अशोक के इलाज के लिए राज्य के कई बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, मगर अशोक सही नहीं हुआ। अशोक की पत्नी और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अशोक की पत्नी चंदा अपने सास रुक्मणी से बोली, माँ, राज्य के बड़े बड़े वैद्यों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, अब क्या होगा? चिंता मत कर बहू, मैंने एक साधु महाराज को बुलाया है। मुझे विश्वास है कि वो साधु महाराज अशोक को सही कर देंगे। कुछ ही देर में एक साधु वहां पर आ पहुंचा और अशोक की ओर देखकर रुक्मणी से बोली, महाराज को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इनके ऊपर किसी ने बड़ा ही खतरनाक काला जादू करवाया है। अगर उस काले जादू को खत्म नहीं किया गया तो 2 दिन बाद महाराज की मृत्यु निश्चित है। तो फिर आप कुछ कीजिए साधु महाराज। इनके ऊपर जो काला जादू है, उस काले जादू को मैं एक गुड़िया के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, मगर उस गुड़िया को महाराज के किसी मित्र को ही जंगल के किसी एक तालाब में फेंकनी होगी।
मगर महाराज का कोई भी मित्र उस गुड़िया को तालाब में फेंकेगा तो उस गुड़िया को तालाब में फेंकने के बाद महाराज तो बच जाएंगे, लेकिन गुड़िया को तालाब में फेंकने वाला और महाराज के ऊपर काला जादू करने और कराने वाले उसी समय मौत की आगोश में समा जाएंगे। रुक्मणी ने अशोक के सारे मित्र से विनती की, मगर अशोक की जान बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया और ये खबर जंगल की आग की तरह राज्य में फैल गई। अर्जुन अपने झोपड़ी से बाहर निकला ही था कि तभी बिलिया दौड़ते हुए जाकर अर्जुन को सारी घटना बताते हुए बोला, अर्जुन तुम्हारे साथ महाराज अशोक ने बहुत गलत किया, उन्हें उनके किए की सजा मिली, 2 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर अर्जुन दौड़ता हुआ महल के अंदर उस साधु के पास पहुंच गया और बोला, गुड़िया को मैं तालाब में फेंक कर आऊंगा, लेकिन जैसे ही तुम गुड़िया को तालाब में फेंकोगे तुम उसी समय मर जाओगे, और वैसे भी ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये काम तो महाराज अशोक का कोई दोस्त ही कर सकता है। मैं महाराज का दोस्त हूँ, ये बात और है कि अशोक ने अभी तक इस बात को प्रजा के सामने जाहिर नहीं किया, वो मुझे भूल गया, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का वफादारी का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। जब अशोक सही हो जाए तो आप उसे मेरी एक बात जरूर कहना कि अर्जुन ने अपनी दोस्ती की वफादारी का कर्ज निभा दिया, और उससे ये भी कहना कि भविष्य में वो किसी से भी दोस्ती करे तो उस दोस्ती को जरूर निभाए। साधु ने उस गुड़िये को अर्जुन को पकड़ा दिया। अर्जुन उसी समय जंगल के एक तालाब में चला गया। जैसे ही अर्जुन ने वो गुड़िया तालाब में फेंकी, अचानक अर्जुन के शरीर में आग लग गई और वो राख बनकर तालाब में समा गया। अर्जुन के तालाब में समाते ही अशोक को तुरंत होश आ गया। अशोक के होश आते ही राजा मानसिंह तांत्रिक सहित मौत की आगोश में समा गए। अशोक साधु से बोला, मुझे क्या हुआ था? साधु अशोक को सारी बात बताते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त अर्जुन तुम्हारा सच्चा मित्र निकला, उसने अपनी जान देकर अपनी दोस्ती की वफादारी का कर्ज चुका दिया। ये सुनकर अशोक रोने लगा, मगर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अर्जुन इस दुनिया से जा चुका था। अशोक सारी उम्र अपने दोस्त अर्जुन को याद कर पछताता रहा